ओम शांति। 16 अक्टूबर 2019 के महावाक्य हैं, मीठा मीठा बाबा। मीठे बच्चे, आत्मा से विकारों का किचड़ा निकाल शुद्ध फूल बनो, शुद्ध फूल बनो, बाप की याद से ही सारा किचड़ा निकलेगा। प्रश्न, पवित्र बनने वाले बच्चों को किस एक बात में बाप को फॉलो करना है? जैसे बाप परम पवित्र है, वो कभी अपवित्र किचड़े वालों के साथ मिक्सअप नहीं होता। बहुत बहुत सैक्रेड है, ऐसे आप पवित्र बनने वाले बच्चे बाप को फॉलो करो। सीनो पीवे, जैसे बाप परम पवित्र है, वो कभी अपवित्र किचड़े वालों से मिक्सअप नहीं होता। क्या होता है ये मिक्सअप? कोई आया, भाई बहुत बुरा हाल, पॉलिटिक्स का बहुत बुरा, परिवार का बहुत, पड़ोसियों का बुरा हाल है, बिल्कुल ठीक। वो 10 बुराइयां उनकी कर रहे हैं, उसके साथ मिक्स होकर बैठ गए थे। हाँ बिल्कुल, आजकल के बालक खराब, दुनिया खराब, वो खराब, वो खराब, आप भी उनके साथ मिक्स होकर के बैठ। बाबा कभी मिक्स नहीं होता, संपूर्ण बाबा कभी मिक्स नहीं होता। हमें भी उनके साथ मिक्स नहीं होना है। वो कमजोर हैं, उनकी अवस्था खराब है, परंतु आपने उनकी बात सुनते हुए उनको परिवर्तन करना है कि ये ड्रामा में है, ये ड्रामा एक्यूरेट है। वो अपने टाइम पर जो कुछ भी कर रहे हैं, अपने पार्ट में जो कुछ भी कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं। वो जितना गलत करे वो ठीक करे। तो आपकी अपनी अवस्था खराब नहीं, कोई गलत तो कार्य नहीं, चाहे चोरी कर रहा है, चाहे मर्डर कर जाए, ठग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ये बुद्धि में एक्यूरेट रखे, क्योंकि ड्रामा में कुछ भी गलत नहीं। ऊपर बाबा ने कहा किचड़ा निकाल शुद्ध फूल बनना है। शुद्ध फूल और अशुद्ध फूल, देह समझा तो अशुद्ध फूल कितना सुख दो दुनिया को, वो अशुद्ध है। आत्मा समझा, रूहानी सुख दो, ये शुद्ध फूल है। क्योंकि जिस्मानी फूल बनकर हमने जितनी भी सेवाएं की वो द्वापर कलयुग में मिलेंगे। आत्मा समझकर जो हमने सहयोग दिया वो अकर्म का खत्म। ओम, बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तो ये दोनों बाप, एक को रूहानी बाप और दूसरे को जिस्मानी बाप कहेंगे। शरीर तो दोनों का एक ही है, जैसे कि दोनों बाप समझाते हैं, बल एक समझाते हैं दूसरा समझते हैं, फिर भी कहने दो, कहेंगे दोनों समझाते हैं। ये तो इतनी छोटी सी आत्मा है, उन पर कितना मैल चढ़ा हुआ है, मैल चढ़ने से कितना घाटा पड़ जाता है। किस पर मैल चढ़ता है? आत्मा, क्योंकि आत्मा ही पावन बनती है और आत्मा ही बनती है। और मैल चढ़ने का मतलब कोई ना कोई गलती करना, गलती करने का मतलब घाटा पड़ जाना। ये फायदा और घाटा तब देखने में आता है जब शरीर के साथ, क्योंकि आत्मा बिना शरीर के कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ गति कर सकती है। एक शरीर को छोड़ा और दूसरे शरीर में जाके प्रवेश किया। इस संसार में जो कुछ भी करना है आत्मा ने
शरीर के आधार पर ही करना। जब मधु या शहद निकालते हैं तो उनको छानते हैं तो कितनी मैल निकलती है, फिर मधु शहद शुद्ध अलग हो जाती है, आत्मा भी बहुत मैली हो जाती है। आत्मा ही कंचन थी, आत्मा ही बिल्कुल पवित्र थी, शरीर कैसा सुंदर था। इन लक्ष्मी नारायण का शरीर देखो कितना सुंदर है, मनुष्य तो शरीर को ही पूजते हैं ना, आत्मा की तरफ तो देखते ही नहीं, आत्मा को तो पहचान भी नहीं है। पहले आत्मा सुंदर थी तो चोला भी सुंदर था। तुम भी ये बनना चाहते हो तो आत्मा कितनी शुद्ध होनी चाहिए। आत्मा को ही तमो प्रधान कहा जाता है क्योंकि उनमें फूल किचड़ा है। आत्मा को क्या कहा जाता है? तमो प्रधान। तो उनमें क्या है? फूल किचड़ा, पूरा का पूरा किचड़ा भरा हुआ है। एक तो देह अभिमान का किचड़ा, फिर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का किचड़ा। किचड़ा निकालने के लिए छाना जाता है, छाने से रंग ही बदल जाता है। तुम अच्छी रीति बैठ विचार करेंगे तो फील होगा बहुत किचड़ा भरा हुआ है। छाने दिए बाबा ने आपको, भाई हम छाने कैसे छानेंगे? क्या याद करेंगे? याद क्या करना है, क्योंकि बहुत सारी बातें सिंपल एक याद में आ जाती। बाबा ने हमें परखने की शक्ति दी है, वो है छानी। और दो ही बातें हैं, तीसरी बात ही नहीं है इसमें। बाबा के डायरेक्शन पर हो रहा है वो शुद्ध, जो बाबा के डायरेक्शन पर नहीं हो रहा है वो अशुद्ध। बस छानी सिंपल सी है और कुछ नहीं। जो भी काम सोचना बोलना करना हम बाबा की श्रीमत पर कर रहे हैं वो शुद्ध है, और बाबा की श्रीमत पर नहीं कर रहे हैं तो अशुद्ध। बस सिंपल सी छानी है, पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ते, कहीं भी किसी भी टाइम इस छानी को यूज कर सकते हैं। उठा के ले जाने की भी जरूरत नहीं है, दूसरी छानियाँ तो उठानी पड़े, बोझा भी उठाना पड़े, इसको उठाने के लिए कोई बोझा नहीं। हम रास्ते में चल रहे हैं, हम चेक कर सकते हैं मैं कैसे व्यवहार कर रहा हूँ। बस बाबा की श्रीमत के अनुसार कर रहा हूँ तो ठीक है, और नहीं कर रहा हूँ तो 24 घंटे छानी को अपने पास रख, 24 घंटे चेक करना है मेरे कारण किसी आत्मा को दुख तो नहीं पहुंच रहा। अभी बाप की याद में रहने से ही किचड़ा निकलता है, इसमें भी टाइम लगता है। बाप समझ जाते हैं देह अभिमान होने के कारण विकारों का कितना किचड़ा है, क्रोध का किचड़ा भी कोई कम नहीं है। क्रोधी अंदर से अंदर में है, जैसे जलता रहता है, कोई ना कोई बात पर दिल जलती रहती है। शक्ल तो शक्ल भी तांबे जैसी रहती है, क्रोधी व्यक्ति का चेहरा तांबे की तरह लाल पीला होता है। अब तुम जब समझते हो हमारी आत्मा जली हुई है, हमारी आत्मा जली हुई, आत्मा में कितनी मैल है आई पता पड़ा। ये बातें समझने वाले बहुत थोड़े हैं, इसमें तो फर्स्ट क्लास स्कूल चाहिए ना। अभी तो बहुत खामियां है, तुमको तो सब खामियां निकाल बिल्कुल पवित्र बनना है ना। ये लक्ष्मी नारायण कितने पवित्र थे, वास्तव में उनको हाथ लगाने का भी हुक्म नहीं। कोई मंदिर में जाकर देवी देवताओं को अब तो खैर थोड़ा बाहर नजदीक भी रख देते हैं, और जो इसे पुसे वाले हों तो अंदर जाके हाथ भी लगा सकते हैं, वरना ब्राह्मण हाथ भी नहीं लगाने देते थे दूर से। हाथ लगाने लायक है ही नहीं, शिव को तो हाथ लगा ही नहीं सकते, है ही नहीं उसका, पकड़ोगे कहां से।
वो है ही निराकार, उनको हाथ लगा ही नहीं सकते, तो वे तो मोस्ट पवित्र है। बल उनकी प्रतिमा बड़ी रख दी है, क्योंकि इतनी छोटी बिंदी जिनको हम इन आंखों से देख नहीं सकते, उनको हाथ क्या लगाएंगे। आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर बड़ा होता है, आत्मा तो बड़ी छोटी नहीं होती है। ये तो है किचड़े की दुनिया, आत्मा कितना किचड़ा। किचड़ा किसमें है? शिव बाबा सैक्रेट, एकदम पवित्र, बहुत पवित्र, बिल्कुल पवित्र। यहां तो सबको एक समान बना देते हैं, एक दो को कह भी देते हैं तुम तो जानवर हो, सतयुग में ऐसी भाषा होती नहीं। अभी तुम फील करते हो हमारी आत्मा में बड़ी मैल चढ़ी हुई है, आत्मा लायक ही नहीं तो जो नहीं है, जो बाप को याद करे नालायक समझ माया भी एकदम उनको हटा दे। बाप कितना पवित्र है, हम आत्माएं भी क्या से क्या बन जाती हैं। अब बाप समझाते हैं तुमने मुझे बुलाया ही है आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए, बहुत किचड़ा भरा हुआ है, बगीचे में कोई फर्स्ट क्लास फूल नहीं होते हैं, नंबर वार हैं, बाप बागवान है, आत्मा कितनी पवित्र बनती है फिर कितनी मैली एकदम कांटा बन जाती है। आत्मा में ही देह अभिमान का, काम क्रोध का किचड़ा भरा। क्रोध भी मनुष्य में कितना है, तुम पवित्र बन जाएंगे तो फिर कोई की शक्ल देखने की भी दिल नहीं होगी। पवित्र बन जाओगे तो कोई की शक्ल देखने की भी दिल सी नो ई विल, हियर नो ई विल, डू नो ई विल, टॉक नो ई विल, थिंक नो ई विल। आप पवित्र को देखना ही नहीं है, आत्मा पवित्र बन, पवित्र नया चोला लेती है तो फिर किचड़ा दिखता ही नहीं, क्योंकि किचड़ा तब दिखता है जब हम उसी शरीर में हैं। जब मर गए, दूसरा जन्म ले लिया, फिर हमें क्या पता है ये कौन है, ये कैसा है। छोटा बच्चा सबके साथ क्यों घुल मिल जाता है, क्यों सबके हाथों में खेलता रहता है, क्योंकि उसे नहीं मालूम कि ये चोर है, ठग है, बेईमान है, धोखेबाज है, कैसा है, इसके मन में क्या है, उसे नहीं मालूम। पर तो हमने अब व्यवहार से देख लिया ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे, वो हमारे दिमाग में छाया हुआ है। अब हम आत्मा शरीर छोड़ देंगे, दूसरा शरीर लेंगे तो हमें क्या पता, चाहे उसी के पास ही आकर रहे हैं, जन्म लेकर आए, परंतु क्या पता है कि वो कैसा। वो हिसाब की तरह मतलब ऐसा है ना, वही है कि कोई अकाउंट है, भय भी होता है कि भी मेरी को माँ के पास ही रहना है, दूसरे का पता नहीं, दिमाग में बैठा होता है संस्कार पिछले उसका कि भी कहीं ना कहीं उसे भय है। कुछ खाने को भी देते हैं ना तो मुंह में लेंगे तो भी थोड़ा बहुत लेंगे, ना तो वो भी नहीं लेगी, मुंह में भी नहीं लेती कोई चीज। हाँ, मतलब कहने का है कि कोई ना कोई भय का संस्कार उसके दिमाग में है, जो किसी ने उसे दिया हो तो उसके अंदर रहा, क्योंकि संस्कार बन जाता है। जैसे चूहे से डरने वाली बात बताई थी, कितने जन्म पहले चूहे ने उसको काटा था, तो अब भी वो चूहे को देखते ही डर जाता। जब उसे समझा दिया गया कि उस जन्म की बात है, उस जन्म में आपकी बॉडी को चूहों ने खाया था, आपकी बात नहीं है, तो उसका भय निकल गया। ऐसे ही ये संस्कार होता है, कहीं किसी ने उसको खिलाया होगा जिसके कारण उसको तकलीफ हुई होगी किसी जन्म में, तो वो संस्कार पिछले जन्म में किसी ने इसको जहर खिला दिया होगा, इसलिए निकलती है। पतित बन पड़े हो, बच्चे बुलाते भी हैं, बाबा हमारे में क्रोध का भूत है, बाबा हम आपके पास आए हैं पवित्र बनने के लिए, जानते हैं बाप तो है ही एवर प्योर। ऐसे हाईएस्ट अथॉरिटी को सर्वव्यापी कहकर कितना डिफेम करते हैं, बेइज्जती करते हैं बाबा।
अपने पर भी बड़ी नफरत आती है, हम क्या थे, क्या बसे, क्या बन जाते हैं, ये बातें बाप तुम बच्चे ही जानते हो। और कोई भी सत्संग व यूनिवर्सिटी आदि में कहां भी ऐसी एम ऑब्जेक्ट कोई समझ नहीं सके। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारी आत्मा में कैसा किचड़ा भरता चला गया। दो कला कम हुई, चार कला कम हुई, धीरे धीरे हमारी कलाएं क्या होती गई, कोई लोभ में, कोई मोह में जल मरते हैं। इस अवस्था में ही जल जल कर मर जाना है। अब तुम बच्चों को तो शिव बाबा की याद में ही शरीर छोड़ना है। जो शिव बाबा ऐसा बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण को ऐसा बाप ने बनाया ना, तो अपने को कितनी खबरदारी रखनी चाहिए। तूफान तो बहुत आएंगे, तूफान माया के ही आते हैं और कोई तूफान नहीं, और कोई तूफान नहीं। जैसे शास्त्रों में कहानी लिख दी है ना हनुमान आदि की, कहते हैं भगवान ने शास्त्र बनाए। भगवान तो सब वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं, भगवान ने तो सदगति कर दी, उनका उनको शास्त्र आदि की क्या दरकार है। आप बात कहते हैं यर नो एविल सी नो एविल डू नो एविल ताक नो एविल, इन शास्त्रों आदि से तुम ऊंच नहीं बन सकते हो। मैं तो इन सब से अलग हूं, कोई भी पहचानते नहीं। बाप क्या है किसको पता ही नहीं है। बाप जानते हैं कौन कौन मेरी सर्विस करते हैं, अर्थात कल्याणकारी बन औरों का भी कल्याण करते हैं। बाबा जानते हैं, वही दिल पर चढ़ते हैं। कोई तो ऐसे भी हैं जिनको सर्विस का पता ही नहीं। तुम बच्चों को ज्ञान तो मिला है कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। भला आत्मा शुद्ध बनती है, शरीर तो फिर भी ये पतित है ना। जिनकी आत्मा शुद्ध होती जाती है, उनकी एक्टिविटी में रात दिन का फर्क रहता है, चलन से भी मालूम पड़ता है। नाम कोई का नाम नहीं लिया जाता है, अगर नाम लें तो कहीं और ही बदतर ना हो। क्योंकि आज के टाइम में जिसको कह दिया ना तुम नहीं सुधरते हो, तुम तो बहुत खराब हो, बस ना कोई झगड़ा नहीं, कल से हम ना आओ तो इनको सुधारो, मेरे को सुधरने की जरूरत ही नहीं तेरे पास, मैं अपने आप सुधर लूंगा। तो अपने को सुधार, इनको सुधार, बड़ा आया। अब तुम फर्क देख सकते हो तुम क्या थे। तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना, अंदर गंद जो भरा हुआ है उसको निकालना है। लौकिक संबंध में भी कोई कोई बहुत गंदे बच्चे होते हैं तो बाप भी तंग हो जाते हैं। उनके माँ बाप बड़े तंग होते, कहते इससे अच्छा मर जाता तो ठीक था, ऐसा बच्चा तो ना होता तो अच्छा था। फूलों के बगीचे की खुशबू होती है, परंतु ड्रामानुसार किचड़ा भी है। वो जहां होते हैं फूलों की खुशबू भी होती है, परंतु ड्रामा अनुसार वहां किचड़ा भी। आंख को तो बिल्कुल देखने भी दिल नहीं आता, आंख के फूल को कोई देखना भी नहीं चाहता, परंतु बगीचे में जाने से नजर तो सब पर पड़ेगी ना। आत्मा कहेगी ये फलाना फूल है, खुशबू भी अच्छे फूल की लेंगे ना। बाप भी देखते हैं इनकी आत्मा कितना याद की यात्रा में रहती है, कितना पवित्र बनी है, और फिर औरों को भी आप समान बनाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। मूल बात यह है मन मना। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पवित्र फूल बनो। ये लक्ष्मी नारायण कितने पवित्र फूल थे, इनसे भी शिव बाबा बहुत सैक्रेड है, लक्ष्मी नारायण से भी पवित्र। मनुष्यों को थोड़ा ही पता है कि लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा शिव बाबा ने बनाया है। तुम जानते हो उस पुरुषार्थ से ये बने हैं राम। राम ने कम पुरुषार्थ किया तो चंद्रवंशी बन गया। आत्मा पवित्र बने, तुम्हारे पास म्यूजियम आदि में बहुत आते हैं। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक रखना है, सर्विस को छोड़ कभी नींद नहीं करनी चाहिए। वो सेवा का टाइम सोए रहो, ये सही नहीं हो सकता। सर्विस पर बड़ा एक्यूरेट रहना चाहिए। म्यूजियम में भी तुम लोग रेस्ट का टाइम छोड़ते हो, गला थक जाता है, भोजन आदि भी खाना है, परंतु अंदर में दिन रात उछल आनी चाहिए। खाना खाने के लिए
म्यूजियम में प्रदर्शनी समझाने के लिए रेस्ट तो करेंगे ना, करो, परंतु ये नहीं कि सोए रहो आलस में। मैंने ठीक कर लिया सब कुछ समझाने। रात दिन उछल आनी चाहिए। कैसे समझाऊं, क्या समझाऊं? कोई आए तो उनको रास्ता बताए, भोजन का टाइम कोई और आ जाता है, ये दादियों ने किया, हमारे में से कोई करे तो भाग्यशाली, क्योंकि दादियों के पास वही कमरा किचन होता था, वही कमरा बेडरूम होता था, वही कमरा क्लासरूम। आजकल तो किचन अलग, बेडरूम अलग, ड्राइंग रूम अलग, क्लासरूम अलग। वो खाना खाते हुए आ जाता था तो थाली को चार पाई के नीचे, पहले तो ग्राहक आया इसको समझाना है, इतना उनको खाना बाद में खा ले। दो जोड़ी कपड़े होते थे, फटना और गरने में अंतर होता है ना, गर जाते थे, उसको भी सिलाई करके पहन पहन कर घिस जाते थे। पहले उनको अटेंड कर फिर भोजन खाना चाहिए, ऐसी सर्विस वाला हो। कोई कोई को बड़ा देह अभिमान आ जाता है, आराम पसंद नवाब बन जाते हैं। बाप को समझानी तो देनी पड़े ना, ये नवाबी थोड़े छोड़ो। फिर बाप साक्षात्कार भी कराएंगे, अपना पद देखो, देखो देह अभिमान का कुराड़ा आप ही अपने पांव पर लगाया। बहुत बच्चे बाबा से भी रीस करते हैं। अरे ये तो शिव बाबा का रथ है, इनकी संभाल करनी पड़ती है। यहाँ तो ऐसे हैं जो ढेर दवाइयां लेते रहते हैं, डॉक्टरों की दवाइयां दवाई करते रहते हैं। बल बाबा कहते हैं शरीर को तंदुरुस्त रखना है, परंतु तो अपनी अवस्था को भी देखना है ना। तुम बाबा को याद में रहकर खाओ, तुम बाबा की याद में रहकर खाओ तो कभी कोई चीज नुकसान नहीं करेगी। क्या मतलब? जहर उठाओ शिव बाबा ऐसे नहीं, टेस्ट हो जाए। खाने में भी दुगना टेस्ट हो जाए। ऐसे नहीं है, खाली शिव बाबा कहने से वो सांप अमृत जहर अमृत नहीं बन जाएगा। मतलब बाबा की याद माना, बाबा के डायरेक्शन पर क्या खाना है क्या नहीं खाना, ये समझ आपके पास दी है। बाबा की याद का मतलब बाबा ने जो जो खाने के लिए डायरेक्शन दिया वो खाना, जिसके लिए मना किया वो नहीं। ये नहीं बाबा ने कहा है मेरे को याद करके खा लो, मेरे को याद करना माना बहुत अच्छी तरह से। खा भी लिया तो क्या नुकसान करेगा? खा भी लिया तो क्या नुकसान करेगा, क्या फायदा करेगा? देखिए नहीं, ड्रामा बिल्कुल ठीक है, परंतु बाबा की याद में नहीं खाया हुआ आपने। भाई हमारे सामने लहसुन प्याज की सब्जी आ गई है और शिव बाबा अब भूखा मरने से तो अच्छा है ये ले, क्या मतलब? मरेंगे तो ना, आज तक कोई मरा प्याज लहसुन खाने से बता दो। परंतु आपका दिल खाता रहे, अंदर से गवाही नहीं दे, खा लिया तो अंदर से दिल खाता रहेगा, मर जाता क्या, ये हो जाता क्या, वो हो जाता क्या। मतलब कहने का है कि नुकसान हो गया ना, वर्तमान का नुकसान, आपके कर्म में परिवर्तन आ जाएगा। इसलिए मतलब याद का मतलब समझना है, शिव बाबा याद नहीं, बाबा के डायरेक्शन पर मत खाओ वो खाना जिस पे आपको बाबा का डायरेक्शन नहीं।
बाबा तो कहते हैं ब्राह्मणों का बनाया भोजन उत्तम से उत्तम है। आगे देखो कैसे काटता है बाबा, परंतु लगा दिए। वे तब जब याद में रहकर बनावे, वे ब्राह्मण है ठीक है, तो ये तो ना वो अंदर उसके जहर भरा हुआ है, विकार भरे हुए हैं, और विकारों में खाना बना दिया तो खाने वालों पर क्या होगा, ये खाने में सफाई नहीं, शुद्धता नहीं, क्या होगा। बाबा की याद में खाना बनाना मतलब सफाई से बनाना, स्वच्छता से बनाना, जो चीजें डालनी है वही डालना, ये बाबा की याद है। बाबा ने डायरेक्शन दिया है ये ऐसे बनाओ, इतना खाओ, ऐसे खाओ। कैसे परंतु जोड़ दिया, याद में रहे बनाने से उनको भी फायदा, खाने वालों को भी फायदा। आंख भी तो बहुत है ना, ये बेचारे क्या पद पाएंगे जो कड़वे हैं, दुख देने वाले हैं। आग के फूल मतलब वो बच्चे, वो आत्माएं जो एक दूसरे को दुख देती रहती है, उसमें हमको ऐसा बनना है। परंतु दा वो क्या बनेंगे जो आग के फूल हैं, ये बेचारे क्या पद पाएंगे। बाप को तो रहम पड़ता है, परंतु दास दासिया बनने की भी नींद है ना, दास दासिया कौन बने? चाहे कोई बहन जी हो, बड़े हो, पर तू हो आग के फूल तो क्या जाके बनेंगे। आग के फूल भी शिव की चढ़ता है जी, शिव बाबा की चढ़ाते आग का फूल भी। हाँ किस पे चढ़ाएंगे, दूसरे फूल तो चढ़ाई नहीं, दूसरे को चढ़ता भी नहीं, सिर्फ शिव की क्यों चढ़ता है आग का फूल। ऐसा है शिव बाबा नहीं, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत सिंपल इसका आंसर है कि जो पतित हो गए थे, जो गंदे हो गए थे, विकारी हो गए थे, वही तो आके शिव बाबा के बच्चे बने, शिव बाबा पर कुर्बान गए। पावन कोई है ही नहीं जो शिव बाबा पर आकर कुर्बान जाए। तो ये पतित मतलब अब बाबा के बच्चे बन गए, फिर भी हमने वो अपने पतित विचार, पतित ख्याल, पतित कर्म नहीं छोड़े हैं, तो फिर हम आगे जाकर क्या बनेंगे, दास दासियां, नौकर चाकर बनेंगे। बड़ा मतलब अपने ऊपर बहुत ज्यादा अटेंशन चाहिए, बहुत ज्यादा अटेंशन चाहिए। बाबा बार बार क्यों कहता है कि यहाँ कोई पवित्र नहीं, ये दादियां दीदियां मतलब ऐसा ही पवित्र नहीं बन रहे हैं। ये नहीं है कि मैं मुरली पढ़ रहा हूं तो मैं पवित्र हो गया हूं, पवित्र बन रहा हूं, कितना बन रहा हूं वो मेरा पुरुषार्थ है। मुरली पढ़ने के बाद भी मेरे विचार, मेरे बोल, मेरे कर्म खराब है, क्या के पर पवित्र है, क्या के पवित्र है। मुरली पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, सेंटर इंचार्ज बनने से कोई मतलब नहीं है, 500 सेंटर खोल करके उसका हेड बनने से कोई मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि मेरा व्यवहार क्या है, मैं कितना व्यवहार कुशल बना हूं, कितना मैं बाबा के डायरेक्शन पर चलकर शुद्ध फूल बना हूं, अशुद्ध फूल नहीं। कई बार मुरली में कहता है कि ये मुरली जो है ना मतलब आत्मा का भोजन है। आप कैसे कह रहे हैं मतलब इस बात को। अब मुरली तो आपने बहुत अच्छा देसी घी का बना हुआ हलवा साफ पानी से बनाया, साफ बनाया खाया, वो तो उसमें थोड़ा सा जहर भी डला हुआ था, ये तो खा जाएगा उसको भाई। हाँ तो बाबा कहते मुरली मीन्स बाबा का डायरेक्शन। अब मैंने बाबा के डायरेक्शन के अंदर जहर मिलाकर आपको दे दिया तो क्या होगा,
आप उल्टे काम करोगे ना। बाबा की बात को समझा तो मैं रहा हूं ना, अब मैंने अपनी तरफ से मन मत मिक्स करके उसका मतलब कुछ और समझा कर आपको जहर दे दिया तो बेड़ा गर्क हो गया ना, अपना भी बेड़ा गर्क किया और औरों का भी बेड़ा गर्क किया। हमको ऐसा बनना है, दास दासियां बनने से फिर सौकार बने तो अच्छा है, दास दासियां रख सकेंगे। बाप तो कहते निरंतर मुझे एक को याद करो, सिमर सिमर सुख पाओ, शिव बाबा नहीं करना है, बाबा के डायरेक्शन पर देखना बोलना खाना पीना सोना। भक्तों ने फिर सिमर नहीं पकड़ ली, ये लो जी शिव बाबा राम 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 राम, वो भक्तों का काम है। बाप तो सिर्फ कहते अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो बस, बाकी कोई जाप नहीं करो ना माला फेरो। बाप को जानना है, उनको याद करना है, मुख से बाबा बाबा भी कहना नहीं, शिव बाबा भी नहीं कहना। तुम जानते हो हम उन आत्माओं का बाप, बेहद का बाप, हम आत्माओं का बेहद का बाप है। उनको याद करने से हम सत्व प्रधान बनेंगे, उनके कहने पर चलेंगे तो सत्व प्रधान बनेंगे। शिव बाबा करते रहेंगे सत्व प्रधान थोड़ा ही बन जाएंगे, आत्मा कंचन बन जाएगी। कितना सहज है परंतु युद्ध का मैदान है ना। तुम्हारी है माया से लड़ाई, वो घड़ी घड़ी तुम्हारी बुद्धि का योग तोड़ती है। जितना जितना विनाश काले प्रीत बुद्धि उतना पद होता है, सिवाय एक के और कोई को भी याद ना करना, याद ना पड़े। पहले कल्प पहले भी ऐसे ही निकले हैं जो विजय माला के दाने बने, सारे विजय वैजयंती माला में तो नहीं आएंगे ना। तुम तो ब्राह्मण कुल के हो, ब्राह्मण की ब्राह्मणों की रुंड माला बनती है। लाइन समझ में आई है? कल भी बाबा ने कहा था एक होती है रुद्र माला और एक होती है रुंड माला। रुद्रमाला में आत्माएं आती हैं, रुद्र माना बिंदी, रुद्र माना बिंदी, तो उन्होंने मोती रख दिया, समझ रहे हैं बात को? रुद्र माना बिंदी, शिव बिंदी, आत्मा भी बिंदी। और रुंडमाला में ब्राह्मण आते हैं, जीव आत्माएं, जीव आत्मा। जो अब ब्राह्मण बनेंगे वही सत्युग में जाकर क्या बनेंगे? देवता बनेंगे। और रुद्रमाला में सारी आत्माएं आती हैं, चाहे वो त्रेता की हों, चाहे द्वापर की हों, चाहे कलयुग की हों, सारी आत्माओं ने बाप के गले का हार पहना, बाप के डायरेक्शन पर चलना। जिन्होंने बहुत गुप्त मेहनत की है, ज्ञान भी गुप्त है ना, बाप तो हर एक को अच्छी रीति से जानते हैं। अच्छे अच्छे नंबर वन जिनको महारथी समझते थे वो आज है नहीं, देह अभिमानी बहुत है, बाप को याद, बाप की याद रह नहीं सकती। माया बड़ा जोर से थप्पड़ मारती है, बहुत थोड़े हैं जिनको माला, जिनकी माला बन सकेगी। तो बाप फिर भी बच्चों को समझाते हैं, अपने को देखते रहो हम कितने पवित्र देवता थे, फिर हम क्या से क्या किचड़ा बन गए हैं। अब शिव बाबा मिला है, उनकी मत पर चलना चाहिए ना। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, कोई की भी याद ना आए, चित्र भी कोई का नहीं रखना है, कोई चित्र नहीं रखना, चित्र कोई का भी नहीं रखना है। फिर क्यों रखा हुआ है? समझाने के नए भक्त बच्चों के, उनकी बुद्धि स्थिर नहीं होगी। जिनको समझ में आता जाएगा उनके लिए चित्रों का कोई महत्व, क्योंकि प्राइमरी क्लास के अंदर आ अनार का कबूतर खै खरगोश बताया जाता है, परंतु जब बड़ी क्लास में आ जाता है उसे अब क्या कबूतर खै खरगोश बताने की जरूरत नहीं। जितना जितना, क्योंकि शुरू शुरू में तो उसको समझ में नहीं आएगा, उसके लिए तो ये चित्र बहुत जरूरी है।
कोई चित्र नहीं रखना। बहुत थोड़े हैं जिनकी माला बन सकेगी। तो बाप फिर भी बच्चों को समझाते हैं, अपने को देखते रहो हम कितने पवित्र देवता थे, फिर हम क्या हो गए, किचड़ा बन गए हैं। अब शिव बाबा मिला है, उनकी मत पर चलना है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, कोई की भी याद ना आए, चित्र भी कोई का नहीं रखना है, एक शिव बाबा की याद रहे। शिव बाबा को शरीर तो है ना, ये भी टेम्परेरी लोन लेता हूँ। तुमने ऐसा देवी देवता लक्ष्मी नारायण बनने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। बाप कहते हैं तुम हमको पतित दुनिया में बुलाते हो, तुमको पावन बनाता हूँ, फिर तुम पावन दुनिया में मुझे बुलाते ही नहीं, फिर तुम पावन दुनिया में बुलाते ही नहीं हो। वहां आकर क्या करेंगे, उनकी सर्विस ही पावन बनाने की है। बाप जानते हैं कि एकदम जलकर काले कोयले बन गए हैं। बाप आए हैं तुम्हें गोरा बनाने। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सर्विस में बड़ा एक्यूरेट रहना है, दिन रात सर्विस की उछल आती रहे। सर्विस को छोड़ कभी भी आराम नहीं करना है। बाप समान कल्याणकारी बनना है। एक ही याद से प्रीत बुद्धि बन अंदर का किचड़ा निकाल देना है। खुशबूदार फूल बनना है। इस किचड़े की दुनिया से दिल नहीं लगाना, दिल वरदान। पहले आपके मंत्र द्वारा सर्व का स्वमान प्राप्त करने वाले निर्माण सो महान भव। पहले आप किसमें, पहले आप सांसारिक कार्यों में प्राप्ति के लिए पहले आप, पुरुषार्थ करने में पहले मैं। पुरुषार्थ करने में पहले आप नहीं करना, पुरुषार्थ करने में पहले आप। लौकिक दुनिया में कुछ भी प्राप्त करने के लिए पहले पहले आप। सहयोग देना, अंतर समझना, पहले आपके मंत्र द्वारा सर्व को स्वमान प्राप्त करने वाले, सर्व का स्वमान प्राप्त करने वाले, क्योंकि पहले आप उनको सम्मान देंगे यदि आप स्वमान में। स्वमान प्राप्त करने वाले निर्माण सो महान भव। इतने निर्माण निरहंकारी बनो कि सबको आगे रखो परंतु पाने के लिए। यही महामंत्र सदा याद रहे, निर्माण ही सर्व महान है। जो निरहंकारी होते हैं वही सबसे ऊंचे होते हैं। पहले आप करना ही सर्व से स्वमान प्राप्त करने का आधार। महान बनने का ये मंत्र वरदान रूप में सदा साथ रखना है। वरदानों से ही पलते उड़ते मंजिल पर पहुंचना है। मेहनत तब करते हो जब वरदानों को कार्य में नहीं लगाते। अगर वरदानों से पलते रहो, वरदानों को कार्य में लगाते रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। सदा सफलता और संतुष्टता का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन है, सूरत द्वारा सेवा करने के लिए अपना मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर स्वरूप इमर्ज करो। एकदम ऑफिशियल नहीं, रमणीक भी बनो और तो इतना रमणीक भी नहीं कि जो बाबा के डायरेक्शन भूल जाओ। दोनों बातों को याद है। सूरत द्वारा सेवा करने के लिए अपना मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर स्वरूप इमर्ज करो, क्योंकि मुस्कुराएंगे तो रमणीक लगेंगे, सुंदर लगेंगे, परंतु सुंदरता में कोई खा नहीं जाए हमें, हमारी मुस्कुराहट का नाजायज फायदा नहीं उठा ले। ज्ञान की गंभीरता साथ में चाहिए।
कि उसका व्यवहार रूहानी रहा, मेरा व्यवहार रूहानी रहा, क्योंकि उसका नाजायज फायदा कोई ना उठा सके सूरत द्वारा सेवा करने कि ये कैसे खुश रहते, हमें भी खुश रहना सीखना है और साथ में गंभीर भी। ओम।